नाम है आपका? आसाराम नाम है। ये बताइए कि FIR हो गई है? FIR हो गई सर, FIR दर्ज हो गया, सब अधिकारियों के पास मैंने पहुंच गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अपने बहन के अपने उनके मरने के वास्ते मैं सबके पास न्याय की भीख मांग रहा हूँ, फिर भी कोई नहीं हमारा सुनवाई कर रहा है। सुनवाई करने के बावजूद हम अपने परिवार से इतना पीड़ित हैं, एक बहन हमारी पागल बन के घूम रही है, और क्या बताएं साहब, कोई सुनवाई हमारी नहीं कर रहा है और इसे घूम रहा अभी तक वो। अच्छा, क्या कोई दबाव भी पड़ रहा है डॉक्टर? हमारे पास दबाव भी पड़ रहा है, लोग दूर दूर पता नहीं कैसे कैसे आदमी आते हैं हमारे पास, हम उनको चाहे न जानता न पहचानता हूँ। क्या कहते हैं? तुम सुलह हो जाओ, समझौता कर लो, हम किस बारे में सुलह समझौता कर लूँ मैं, हमारी बहन तो चली गई, क्या हमको वापस मिलेगा वो? जिले में अकबरपुर से महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ये गाँव है जहाँ पर एक लड़की की मौत हो गई थी, डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया था। उसकी माता जी से हमारे पास खड़ी हैं, रो रो कर इनका बुरा हाल है। डॉक्टर अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, 20 दिन से ऊपर FIR के दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा इस मामले में एक ये अब बड़ी घटना सामने आ रही है कि जो डॉक्टर है, आरोपी जो है, वो लगातार इस पीड़ित परिवार को धमकी दिलवा रहा है और मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनवा रहा है, और पुलिस इस पूरे मामले में खामोश बनी हुई है। पंकज मिश्रा, ETV करना है।